वहीं देखिए शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 100 दिनों में कोरोना संक्रमण के चलते कई चुनौतियां थी। लॉकडाउन की वजह से कई गतिविधियां भी ठप हो गई थी और इस चुनौती के दौर पे सरकार ने बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन का उदाहरण पेश करते हुए एक ऐसे अभियान को अंजाम दिया जिसे दुनिया का सबसे बढ़िया अभियान कहा जा रहा है और वो है समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का। गेहूं उपार्जन के मामले में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है और उसने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। कैसे हुआ ये सब, चलिए आपको दिखाते हैं। 23 मार्च 2020 ये वो तारीख है जब शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार कमान संभाली। उस समय कोरोना संक्रमण देश में पैर पसार चुका था और लॉकडाउन लग चुका था। ऐसे में नई सरकार को दो मोर्चे पर काम करना था, कोरोना संक्रमण रोकना और थम गई गतिविधियों को फिर से शुरू करना। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम शिवराज ने सबसे पहला फैसला गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी का लिया, क्योंकि किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें थी। कोरोना काल में मंडियों में क्या व्यवस्थाएं होंगी, गेहूं की तुलाई कैसे होगी, गेहूं खरीदेगा कौन, तमाम सवाल किसानों के मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। किसान पुत्र कहे जाने वाले शिवराज ने किसानों की इस मनोदशा को भांप लिया, मगर कोविड-19 की भयावह तस्वीरों के बीच किसानों से गेहूं खरीदना इतना आसान नहीं था। गेहूं की खरीदी 25 मार्च की जगह 15 अप्रैल से शुरू की गई थी। चुनौतियां बहुत सारी थी। खरीदी केंद्रों पर शारीरिक दूरी का ख्याल रखना, संक्रमण ना फैले एक बड़ा टास्क था। खरीदी केंद्र पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और अराजकता जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए सरकार ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम किया। सरकारी वर्टिकल ढांचे को हॉरिजॉन्टल ढांचे में बदला गया, यानी जब आपको कम समय में रिजल्ट चाहिए होते हैं तो व्यवस्थाओं का दायरा बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में कई सालों से 3000 खरीदी केंद्र बनाए जाते थे, इस बार 4529 केंद्र बनाए गए। गेहूं खरीदी की सतत मॉनिटरिंग जरूरी थी, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च से लगातार गेहूं उपार्जन की समीक्षा की, 75 मैराथन बैठकें ली। नतीजा ये कि 129 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। ये मध्य प्रदेश के लिए ऑल टाइम रिकॉर्ड है और मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। न केवल गेहूं की खरीदी में रिकॉर्ड बनाया, बल्कि शिवराज सरकार किसानों के लिए वरदान साबित हुई। किसानों को लगा कि उनकी अपनी सरकार लौट आई है। बगैर किसी हो हल्ले के 15,93,000 किसानों के खाते में 25,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसकी वजह से कोरोना संकट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ग्रामीण इलाकों में नकदी की समस्या नहीं हुई। गेहूं खरीदने के बाद उसके भंडारण की भी चुनौती थी। गेहूं परिवहन के लिए 10,000 ट्रकों की व्यवस्थाएं की गई और बारिश शुरू होने से पहले ही सुरक्षित भंडारण गेहूं का कर दिया गया। कहावत है कि अवसर थाली में सजाकर नहीं मिलते, उन्हें पहचानने की जरूरत है, और सरकार ने अवसरों को पहचाना। इसका नतीजा ये कि मध्य प्रदेश का किसान अब नए दौर में पहुंच गया है। कोरोना संकट में किसानों को आर्थिक परेशानियों से बचाने के लिए शिवराज सरकार ने एक झटके में मंडी एक्ट में संशोधन कर किसानों को ग्लोबल मार्केटिंग से जोड़ने का करिश्मा कर दिखाया। दरअसल केंद्र की सरकार ने कृषि जिन्सों की मार्केटिंग के लिए राज्य सरकारों को एक मॉडल एक्ट सौंपा था। सरकार की मंशा थी कि पूरे देश में कृषि जिन्सों की मार्केटिंग के लिए बाजार की एक जैसी व्यवस्था हो, ताकि किसानों को अपना उत्पादन बेचने के बेहतर विकल्प मिल सके। पिछली सरकार ने इस एक्ट को ठंडे बस्ते में डाला था। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने मंडी एक्ट में संशोधन किया। एक्ट में संशोधन के बाद किसानों को उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है। किसानों को अब मंडियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। किसान घर बैठकर भी अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेगा। लाइसेंसी व्यापारी एक ही लाइसेंस से प्रदेश में कहीं भी जाकर किसानों से उनके घर या खेत पर जाकर फसल खरीद सकेगा। इसके साथ ही ई टेंडरिंग का इंतजाम भी किया गया। मंडी एक्ट में बदलाव के बाद गोदामों, साइलो, कोल्ड स्टोरेज को भी प्राइवेट मंडी की श्रेणी में रखा गया। मंडी समितियों का इन प्राइवेट मंडियों के काम में किसी तरह का दखल खत्म कर दिया गया। मंडी एक्ट में संशोधन से फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी मध्य प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा।
किसानों के लिए इस बड़े बदलाव के साथ एक और काम शिवराज सरकार ने किया, वो फसल बीमा प्रीमियम की राशि देने का। पिछली सरकार ने खरीफ और रबी की फसलों के लिए फसल बीमा प्रीमियम के 2200 करोड़ का भुगतान बीमा कंपनियों को नहीं किया था, जिसके कारण किसानों को बीमा राशि नहीं मिल रही थी। 0% ब्याज पर किसानों को ऋण देने की योजना फिर शुरू की गई। चना, मूंग, उड़द की भी सरकारी खरीदी की गई। चने में 2% तक तिवड़ा होने पर भी चने की खरीदी की गई। मध्य प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की खरीदी की सीमा 40 क्विंटल को खत्म कर दिया गया। कोरोना काल में गेहूं उपार्जन का यह अभियान संभवतः विश्व के सबसे बड़े अभियान के रूप में देखा जाएगा, जिसमें 5 लाख सरकारी कर्मचारी जुटे। मध्य प्रदेश के किसानों ने प्रदेश के भाल पर बम्पर उत्पादन का ऐसा तिलक लगाया कि प्रदेश अव्वल हो गया। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपना है। मध्य प्रदेश के किसान मेहनती हैं और उनकी मेहनत ने आज मध्य प्रदेश को ये ऐतिहासिक उपलब्धि दी है, और किसानों को महसूस हुआ कि संकट के इस दौर में उनका भविष्य सुरक्षित है।